चीन की वैक्सीन पर अब क्यों उठ रहे हैं बड़े गंभीर सवाल। दुनिया को वैक्सीन दे रहे रूस में क्यों हो रही है संक्रमण से रिकॉर्ड मौतें, क्यों ममता दीदी पर बिफरे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। देखते हैं टॉप 9 महामारी। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 1 लाख के करीब मौतें रोकी जा सकती थीं। अमेरिका और ब्रिटेन में हुई स्टडी में कहा गया है कि अगर भारत में मार्च की शुरुआत में ही लॉकडाउन का फैसला हो गया होता तो कोरोना के 90 लाख से 1.3 करोड़ केस रोके जा सकते थे, लेकिन ऐसा करने की जगह लॉकडाउन का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया गया। इससे ज्यादातर जगहों में लॉकडाउन में देरी हुई और स्थिति भयावह हो गई। चीन ने 4 भारतीय कंपनियों से सी फूड के आयात पर रोक लगा दी है। इन सी फूड की आउटर पैकेजिंग पर कोविड वायरस होने का दावा किया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के अनुसार चीनी सीमा शुल्क प्राधिकरण का ये फैसला शनिवार से लागू होगा, जिसके तहत आयात पर अगले 1 हफ्ते के लिए रोक लगा दी गई है। अखबार के अनुसार फ्रोजन रिबन फिश और सी फूड के सैंपल की आउटर पैकेजिंग संक्रमित पाई गई है। रूस में लगातार 5वें दिन कोरोना से 650 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जो पूरे कोरोना काल में रिकॉर्ड है। देश में रोजाना 20,000 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। हालात की गंभीरता को समझते हुए पुतिन सरकार ने अब लोगों को वैक्सीन की बूस्टर डोज देने की शुरुआत की है। ज्यादातर मौतें उसी डेल्टा वेरियंट की वजह से हो रही है, जिसने भारत में दूसरी लहर में तबाही मचाई थी। मंगोलिया, सेशल्स और चिली में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़े हैं। इन तीनों देशों में चीन में बनी कोरोना वैक्सीन लोगों को लगाई गई थी। चीन की वैक्सीन से तीनों देशों में 50% से ज्यादा आबादी का टीकाकरण हो चुका है। ऐसे में दुनिया के कई विशेषज्ञों ने चीनी वैक्सीन के असर पर सवाल उठाए हैं। देश में शनिवार को टीके की करीब 63 लाख डोज लगाई गई। इसके साथ ही अब तक करीब 36 करोड़ 20 लाख लोगों को वैक्सीन की कम से कम एक डोज दी जा चुकी है। 18 से 44 आयु वर्ग के करीब 17.5 करोड़ लोगों को कम से कम एक डोज वैक्सीन दी जा चुकी है। इंजेक्शन देने की गलत तकनीक से भी वैक्सीनेशन के बाद ब्लड क्लॉटिंग की समस्या आ सकती है। जर्मनी और इटली के विशेषज्ञों की स्टडी में ये बात सामने आई है। विशेषज्ञों ने कहा कि टीका मसल्स में लगाना होता है, लेकिन अगर ये ब्लड वेसल तक पहुंच जाए तो ऐसी समस्या संभव है। दरअसल वैक्सीन लेने वाले कुछ लोगों में खून के थक्के जमने की समस्या सामने आई है। होशंगाबाद में एक डॉक्टर को दूसरी बार ब्लैक फंगस होने का मामला सामने आया है। कोविड मरीजों की देखभाल में लगे डॉक्टर पुरुषोत्तम यादव पहली बार अप्रैल महीने में इसके शिकार हुए और अब दोबारा हमीदिया अस्पताल में भर्ती हैं। डॉक्टर पुरुषोत्तम कहते हैं कि अगर इस फंगस से बचना है तो कोविड से बचें, और कोविड अगर हो जाए तो शुगर कंट्रोल रखें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पश्चिम बंगाल में एक अलग कोविड-19 टीकाकरण पोर्टल बेनवैक्स को लॉन्च करने को लेकर ममता बनर्जी पर जमकर हमला बोला। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे टीकाकरण की प्रामाणिकता में कई कठिनाइयां पैदा होंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यहां तक कह दिया कि टीएमसी सरकार के जंगल राज को भारत के कोविड-19 टीकाकरण अभियान को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। IIT कानपुर की स्टडी में दावा किया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर ज्यादा विनाशकारी नहीं होगी। स्टडी में बताया गया है कि अगर कोरोना वायरस का बहुत तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट नहीं बना तो तीसरी लहर पहली लहर के मुकाबले भी कमजोर होगी। इसका पूर्वानुमान सूत्र मॉडल के आधार पर लगाया गया है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।